हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा सारा हेल्दी प्लांट है। और कोई मुझे बताओ ये किस चीज़ का प्लांट है, उसके बाद मैं इसका नाम भी बताऊंगी आप सबको, इसकी ट्रे भी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बेल जो हैं बहुत सारी मेरे पास हैं, और आज या फिर मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी बेल जो है वो बढ़ नहीं रही है तो आपको उस पर क्या करना चाहिए। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी ये देख लो, देखो दूर से दिखाती हूँ कितना बड़ा प्लांट है ये। और ट्रे देख लो, मैंने इसकी वेजिटेबल ट्रे ग्रो कर रखा है, और आप देख सकते हो इसमें कितनी जरा सी मिट्टी है, मतलब ये सिर्फ इतनी सी मिट्टी है आप देख सकते हो। और प्लांट की कंडीशन देखो कितना हेल्दी है। हस्बैंड मुझे रोज़ बोलते हैं इसको कट कर लो, इसको कट कर लो, इसको कट कर लो। तो कट करने से शायद आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये है हमारी लाल भाजी जिसको हम चौलाई बोलते हैं, तो ये वो है। तो बेस्ट ऑप्शन है चौलाई, आप ग्रो कर सकते हो, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जब से इनको ग्रो किया ना, इनमें एक बार भी खाद नहीं डाला है, सिर्फ अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ वही डाला है। इसके अलावा खाद नाम की तो चीज़ मैंने इसमें कभी डाली ही नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे रोज़ के प्लांट, देखो ये छोटा सा बटन रोज़ की तरह है, और आप देख सकते हो छोटे छोटे से इस पर फ्लावर आते हैं। इस टाइम पर इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, उमस टाइप की इतनी ज़्यादा हो रखी है कि उसके बाद भी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो चलो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ। प्लीज़ जिनको भी अपना किसी भी प्लांट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है, और मैं उसके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी और उसका आपको सोल्यूशन भी बताऊँगी। तो यहाँ पर चलिए मैं एक और प्लांट दिखाती हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हो इससे पहले वाले वीडियो में अपराजिता में मैंने आपको दिखाया था इस प्लांट की कंडीशन कैसी थी, ठीक है। तो बिल्कुल मरने की हालत पे था ये, आपने देखा ही था। और मैंने इस पे दिखाया था कि फ़्लावर बिल्कुल भी नहीं थे, देखा था ना आपने। अब देखो कितने फ्लावर है, ठीक है। ये देखो हम अभी सुबह के टाइम लगभग 7 बजे उस टाइम पर टेरेस पर आ गए हैं, तो यहाँ पर 7 भी नहीं बजे होंगे, मतलब कि बजने वाले होंगे। तो जैसे जैसे सन ऊपर को आएगा ना, तो ये जितने भी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी बर्ड जो है वो खिलने लगेंगी, ठीक है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कितनी बुरी हालत में था ये, देखिए, ठीक है। आज इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है। मैंने उसी दिन इस पर आपके सामने जो फर्टिलाइज़र इसमें ऐड किया था, खाद वगैरह ऐड किए, तो उसकी वजह से है ये। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखना, बहुत कमाल का है जिसकी वजह से इस पर इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था कि हमारे जो चंपा के प्लांट है उन पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या करें, ठीक है। देखिए कुछ टाइम के लिए तो फ्लावरिंग रुकती ही है, क्योंकि देखो हमेशा हमेशा रोज़ रोज़ या पूरे साल भर या एक भी दिन गैप दिए बिना किसी भी प्लांट पर फ्लावरिंग हो सकती है क्या, आप खुद ही सोचो। तो कुछ टाइम के लिए फ्लावरिंग तो रुक ही जाती है, जैसे कि मेरा ये प्लांट है, इसमें 5-6 दिन के लिए फ्लावरिंग रुक गई थी, और उसके बाद दोबारा से फिर से स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया है। तो चलिए अपने चलते हैं चंपा के प्लांट के पास। तो ये देखिए, ये है मेरा चंपा का प्लांट, डिफरेंट वैरायटी का ये देखिए। और ये प्लांट आप बिलीव करोगे सिर्फ 1 साल का ही होगा, लगभग 1 से 1.5 साल का, और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, ग्रोथ तो इतनी कमाल की हो रही है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने चंपा के ऊपर जो शेयर किया था, आप उसको देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है ना, तब आपको क्या करना है आज मैं वो बताती हूँ आपको। देखो दिख रहा है ना आपको, इस एरिया में धूप आ गई है। तो चलो चलते हैं अपने दूसरे चंपा के पास, और मैं वहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये दूसरा चंपा का प्लांट है। यहाँ पर भी चंपा के मेरे 2 प्लांट हैं। सबसे पहले तो अगर फ्लावरिंग एक बार आकर झड़ चुकी है तो इस तरह की जो स्टिक होंगी उनको निकाल देना, ठीक है। ये देखो इस तरह की जो स्टिक है पहले उनको निकालना। ये देखो ये हमारा प्लांट ना बहुत बड़ा बन गया है, तो ये वाली नहीं कटेगी, इससे मुझे ये कट गई है। ये देखो सबसे पहले तो इस तरह की ये जो फ्लावर खिलने के बाद जो स्टिक रह जाती है आपको उसे निकालना है, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर इसका पॉट। ये देखो, ठीक है, ये 2 पॉट हैं और दोनों में सेम कंडीशन है, ठीक है। तो एक में मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र और क्या क्या ऐड करूँगी वो बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको और आगे का क्या क्या करना चाहिए वो बताती हूँ। तो देखो एक तरफ से ना हस्बैंड लगे हुए हैं वाटरिंग करने, तो अभी हस्बैंड ने यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है, ये देखो, ठीक है। लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा डाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसका खाद ले आते हैं पहले।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने खाद जो है वो निकाल लिया है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं वो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, और जो केमिकल नहीं डालना चाहते तो इससे पहले जो मैंने अपराजिता के प्लांट पर आपको खाद डालना बताया था वो भी आप रिपीट कर सकते हो थोड़ा बहुत चेंज करके। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है अपना किचन वेस्ट, जो मैंने खाद घर पर बनाई थी। अगर आपको नहीं आता कंपोस्टिंग करना, कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी, और चैनल पर वीडियो भी हैं, आप एक बार जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना किचन वेस्ट। उसके बाद मैंने ली है एक मुट्ठी भरकर नीम की खली, एप्सम सॉल्ट ले लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने चुटकी भर के करीब लिया है अपना पोटाश, और 7-8 दाने मैंने ले लिए हैं DAP के। इसके बाद एक और चीज़ मैं डालना भूल गई हूँ, वो भी मैं डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाला है NPK 90-90। तो इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपके पास ये किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, गोबर की खाद ले सकते हो, पत्तियों की खाद ले सकते हो, जिसके पास जो हो वो ले लेना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने प्लांट में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो गुड़ाई कर देना। आप देखो हस्बैंड ने पहले से वाटरिंग कर दी है, तो कोई बात नहीं, जो प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप ये सब वाटरिंग करने से पहले करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने सबसे पहले तो अपने इस तरह से प्लांट में आपको गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई आपको कम से कम एक महीने में एक बार ज़रूर करनी है। अगर आप हफ्ते में एक बार भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको प्लांट के रूट को ओपन करना है। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट में हवा पानी सब कुछ अंदर तक जाएगा, और जो मिट्टी ठोस हो जाती है ना, बिल्कुल जम जाती है और पानी नीचे नहीं जाने देती है, वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लांट के दूर दूर करना है, मतलब कि यहाँ इस एरिया में, बिल्कुल इस एरिया में मत करना, नहीं तो आपके प्लांट की जो रूट है मेन वो ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी है इसको मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारी रूट है, न्यूट्रिशन तो इसमें से ख़त्म हो चुका है। तो देखिए मैंने इसमें से मिट्टी जो है इसकी निकाल दी है। आप इसके ऊपर नई मिट्टी भी फिल कर सकते हो। उसके बाद ये जो हमने खाद बनाया है इसको हम यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है। ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपको कि मैंने बस खाद डाला और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छे से मिक्स कर दो, और चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी नई ऊपर से डाल सकते हो। अब देखो हमने खाद ऐड किया है ना, तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल देंगे, क्योंकि अभी तो बारिशें नहीं हो रही कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। तो देखिए इसमें अब हम कर देते हैं वॉशिंग। आज हमने यही लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड किया है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, वही वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने फिर से डाला है। तो ये है इस पर खाद डालने के काम। इस खाद को आप रिपीट कर सकते हो कम से कम 25 से 20 दिन का गैप देकर, और तभी आपके प्लांट पर फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी तेज़ी से स्टार्ट होगी और लगातार फ्लावर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।